नमस्कार आदाब हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आ, यूपी और बिहार की राजनीति के बारे में तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं उर्मिलेश जी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत तो पहला सवाल बिहार से बिहार की राजनीति के जो मौजूदा हाल हैं उसमें क्या उसमें देखने को मिल रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक थोड़ी सी खींचातानी चल रही है और उसमें वो दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बड़ा है तो इस पर आपका क्या विचार है और इसके साथ साथ कि जेडीयू का भविष्य इसके साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है देखिए बिहार में जब पिछली बार चुनाव हुआ था दो में मोदी जी के केंद्र की सत्ता में आने के एक वर्ष के बाद थोड़ा सा कम था तो 2014 में केंद्र में सरकार बनी थी 2015 में चुनाव हुआ तो उस वक्त जेडीयू जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी उसने अपने को बीजेपी भीजे से, से बहुत पहले विड्रॉ कर लिया था लोकसभा चुनाव के समय आपको याद होगा तो इनका ये कहना था कि हम अब हमेशा के लिए सेकुलर जो अलायंस है उसके साथ रहेंगे और आर के साथ इन्होंने बनाया अलायंस आ, उस वक्त भी आरजेडी के जो नेता थे वो आ, उन पर उन पर केस ही नहीं था बल्कि कन्विक्शन भी हो चुका था तो ये ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार उस वक्त मुद्दा नहीं था अगर आज अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो उस वक्त भी था लालू प्रसाद जी वाज कन्विक्टेड लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार जी ने उसको मुद्दा नहीं माना और माना कि आ, हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ पर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक बड़ा अलायंस बनाएं और उसको उन्होंने लड़ाई लड़ी सरकार बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने आ, अचानक वो अपने को आर से अलग किया गठबंधन से और बीजेपी के साथ वो मिलकर फिर से आ गए तो बिहार में जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो आम जनता है उसको भी ये बहुत बात पसंद नहीं आई बल्कि कहा जाने लगा कि ये जनादेश का अपहरण है और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बीजेपी और जेडीयू ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा यहाँ तक बात हुई कि इनका डीएनए खराब है तो डीएनए के सैंपल क्या क्या पता नहीं क्या क्या चिट्ठियाँ भेजी गईं बहुत सारे कार्ड्स भेजे गए बहुत सारे पैकेट्स दिल्ली भेजे गए तो ये सब बातें हुई इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि इस जन्म में कभी बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे ये भी शब्द उन्होंने कहा ये तक कहा कि वो राजनीति में ध्वस्त होने के लिए तैयार हैं लेकिन बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ अब आ गए अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को कैसे ले रही है देखिए बीजेपी को ये लगता है कि आज की तारीख में बिहार में जो नीतीश कुमार जी का सामाजिक आधार था उसका एक बड़ा हिस्सा आर की तरफ जा चुका है और जो आधार उनके पास है वो बुनियादी तौर पर सामाजिक स्तर पर वो बीजेपी के साथ जुड़ा महसूस करता है तो नीतीश कुमार जी कहाँ हैं बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार पहले के नीतीश कुमारी नहीं हैं इनका सब कुछ पूछ गया है सब कुछ इनका ख़त्म हो गया है जो इनके पास अति पिछड़ा और पिछड़ों में जो बहुत थोड़ा बहुत आधार था दलितों में थोड़ा बहुत जो आधार था वो आरजेडी के साथ चला गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी कीमत पर उनके साथ नहीं जा सकती और जो अपर कास्ट है वो बुनियादी तौर पे उन बीजेपी का मानना है कि वो मेरे कारण है बीजेपी की वजह से है तो नीतीश कुमार जी की स्थिति सांप से सुंदर वाली हो गई है कि क्या करें किधर जाएं कैसे जाएं एक तरफ कोई है दूसरी तरफ कोई है तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठा रही है और बीजेपी अभी देख रही है कि इनकी क्या मंशा है कितनी सीटें ये हमको देने को तैयार हैं कितनी ए, क्या क्या ए, क्या इनकी जिद्द है और अल्टीमेटली 2019 से पहले बीजेपी चाहेगी कि उसको मेजर शेयर मिले अगर नहीं मिले मिलेगा तो वो अपने ढंग से काम करेगी लेकिन बिहार के विपक्ष में जो दूसरी आर के अलावा जो छोटी पार्टियां हैं और वाम दल हैं उनकी क्या स्थिति है वो किस तरीके से अपने आप को आ, क्या वो कुछ गठजोड़ तो नहीं कहा जाएगा लेकिन वो किस तरीके से 2019 की तैयारी आपको लग रहा है कर रहे होंगे देखिए बिहार में सामाजिक राजनीतिक स्तर पर दो ध्रुव बिल्कुल साफ साफ हैं एक ध्रुव है जिसमें बीजेपी है और दूसरा जो ध्रुव है उसमें आर है फिलहाल मेजर फोर्स और उसमें तेजस्वी यादव जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में वो उसके उभरते हुए नए नेता हैं वो विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा के अंदर युवा हैं अनुभव की कमी ज़रूर है लेकिन तौर तरीके के स्तर पर वो दूसरे कई युवा नेताओं के मुकाबले काफ़ी तेज़ तरार नज़र आ रहे हैं और अपने पिता की कुछ एक खामियां भी उनके अंदर नहीं हैं और कुछ एक जो गुण हैं वो तो हैं थोड़े बहुत मैं ये नहीं कहता कि देशज ढंग से बोलने का अंदाज़ लालू प्रसाद का जैसा है देसी मुहावरों के साथ उस तरह का तो उनमें नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जैसे वो लालू प्रसाद के मुकाबले ज़्यादा अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए बार बार कहते भी थे कि मैं अपने चाचा से एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहता हूँ अपने पिता से राजनीति से सीखी है राजनीति मैंने सीखी है तो अपने चाचा से एडमिनिस्ट्रेशन में सीखना चाहता हूँ चाचा वो नीतीश कुमार को कहते थे तो ये सब उनके कुछ गुण हैं लेकिन या लालू प्रसाद जैसा राजनीतिक कौशल और अनुभव उनके पास नहीं है जोड़ तोड़ नहीं है उस तरह की भाषा नहीं है कम्युनिकेशन की वो जो क्षमता लालू प्रसाद में है वो नहीं है लेकिन लालू प्रसाद के साथ बहुत सारी बदनामियाँ जो थीं वो भी इनके साथ नहीं हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बिहार में तो आर कांग्रेस और जो अन्य छोटे मोटे दल हैं संगठन हैं वो मिलकर एक बड़ी ताकत बनते हैं और दरअसल इन दलों से भी बड़ी ताकत जो है सामाजिक जो वहाँ की बुनावट है वो है वहाँ विभाजन बिल्कुल साफ़ है समाज में अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है और अपर कास्ट में वे फोर्सेस जो पॉलिटिकली कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं या दक्षिण पंथ के खिलाफ हैं वो उनको छोड़ दिया जाए तो कमोबेस बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है लेकिन जो दलित हैं पिछड़े हैं आदिवासी तो झारखंड में ज़्यादा हैं इस एरिया में बहुत कम बचे हैं कुछ एक हलकों में थोड़े बहुत हो सकते हैं तो उन, उनका जो झुकाव है इधर है माइनॉरिटी का झुकाव इधर है मुझे लगता है कि आपने लेफ्ट के बारे में पूछा देखिए लेफ्ट में वहाँ जो तीनों दल हैं प्रमुख सी पी आई सी पी आई एम एल और सी पी आई एम ये तीनों के अपने अपने पॉकेट्स हैं कुछ इसमें सी पी आई एम एल जो है उसके कुछ विधायक भी जीते हुए हैं इस वक्त मौजूदा विधानसभा में भी हैं उनके पास मध्य बिहार में और पश्चिम का जो हिस्सा है बिहार का जो मध्य और पश्चिम कह सकते हैं उस इलाके में उनका एक सामाजिक आधार है मजबूत मजबूत राजनीतिक आंदोलन रहा है सीपीआईएम के भी कुछ पॉकेट्स हैं बिहार में सीपीआई बड़ी ताकत पुराने ज़माने में रही है लेकिन आज वो नहीं है उस तरह की लेकिन इस बीच में नए नेता भी सीपीआई के कुछ बिहार में काम करने के लिए गए हैं और वो भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो लेफ़्ट फोर्सेज हैं ये अगर मिलकर एक तालमेल करती हैं और इनका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अगर आर कांग्रेस के अलायंस के साथ होती है क्योंकि आर कांग्रेस का अलायंस तो होना पक्का है और लेफ़्ट के लिए अगर एक सीटों का तालमेल जिससे कि वोटों का विभाजन सेकुलर वोटों का विभाजन न हो तो मैं समझता हूं कि ये लेफ्ट के लिए भी फायदेमंद होगा और कम्युनलिज्म के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई को भी ये आगे ले जा सकता है ऐसा मुझे लगता है तो अब बात करते हैं यूपी की यूपी आ, की राजनीति इस वक्त आपको क्या लगता है कौन से दौर से गुजर है क्योंकि इतना बड़ा राज्य है सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे और 2019 बस मतलब अब कुछ महीने की देर है जिसमें आप एकदम से चुनावी मोड में सब लोग आ जाएंगे और पीएम शायद पहले ही आ चुके हैं तो कई रैलियाँ और सब कुछ कर रहे हैं तो उस राजनीति यूपी पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस तरीके से यूपी आ, पर काम करना शुरू कर चुके देखिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी आज जब हम बात कर रहे हैं शनिवार को तो आज वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हलके में आज़मगढ़ में बहुत सारा शिलान्यास कर रहे हैं कुछ और ज़िलों में भी जा रहे हैं तो वो मूड में बिल्कुल जो होता है एक इलेक्शन मोड उसमें आ गए हैं और बीजेपी ने ऐलान भी किया है कि प्रधानमंत्री की इतने दिनों में इतनी रैलियां होंगी इतने शिलान्यास होंगे अभी सुना है कि पार्टी में एक बैठक हुई थी जिस बैठक में ये तय किया गया कि प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप बताइए कि कहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए शिलान्यास उद्घाटन वगैरह करने लेकिन मैं समझता हूँ कि विकास और उद्घाटन और शिलान्यास जो चीज़ें हैं ना ये एक दिखावे की हैं ये पब्लिक को एक दिखाने के लिए हैं जो असल मुद्दा है इस चुनाव में बीजेपी का वो है आई मीन धर्म कर्म की बात वो है बात कि कैसे लोगों को बांटा जाए मेजॉरिटी माइनॉरिटी के इशू पे ये साफ इसको अगर कहा जाए साफ शब्दों में तो हिंदू मुसलमान किया जाए कैसे मंदिर मस्जिद किया जाए ये मसला है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी या बीजेपी की मौजूदा सरकार अपनी जो आर्थिक क्षेत्रों पर आर्थिक मोर्चे पर सामाजिक मोर्चे पर प्रशासनिक मोर्चे पर ये जो विफलताएं हैं विकास के मोर्चे पर शैक्षिक मोर्चे पर हर क्षेत्र में जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को छुपाने के लिए निकट भविष्य में त। और बल्कि शुरू हो गया है अभियान निकट भविष्य नहीं बल्कि शुरू हो चुका है कि कैसे इसको हम ऐसे एजेंडे को सामने लाएं जिससे कि लोग सब भूल जाएं लोग नोटबंदी भूल जाएं लोग तबाही भूल जाएं लोग नौकरियों का ख़त्म होना भूल जाएं बेरोज़गार होना लोग ये भूल जाएँ कि जो कहा गया था उसमें से कुछ भी नहीं किया गया लोग ये भूल जाएँ कि जो कहा गया कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं वो डिसास्टरस है लोगों को हेल्थ केयर में क्या स्थिति है एजुकेशन के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में एस सी एस टी ओ बी सी और तमाम जो क्षेत्रों के जो समुदाय जो वंचित तबका था उनकी जो आरक्षण का जो मसला था उसको पूरा खत्म लगभग कर दिया गया है अभी हाल में यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से एडवर्टीजमेंट आए और जिस तरह से नियुक्तियाँ की गई उसमें इन तमाम वर्गों के जो समाज के बहुसंख्यक हैं सच्चाई है समाज में जिनकी सबसे अधिक संख्या है लेकिन जिनको बहुत दिनों के बाद एफर्मेटिव एक्शन के तहत गुंजाइश हुई कि पढ़ लिख कर वो लेक्चरर बने असिस्टेंट प्रोफेसर बने उनके सारे आ, आ, प्रावधानों को आपने एक तरह से ख़त्म कर दिया है तो इतने आप मॉब लिंचिंग से लेकर तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं आप देखिए अब तो जेल भी सुरक्षित उत्तर प्रदेश की नहीं है वहाँ अपराधियों की अपराधियों द्वारा या न जाने किन किन लोगों के द्वारा हत्याएँ भी हो रही हैं तो हमारा कहना है कि इन विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है एक आखिरी सवाल ये दोनों राज्यों की बात करने के बहाने हम लोग एक देश की जो पूरी राजनीति है उस पर एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष की अब को अब सोचना चाहिए कि आप दरअसल हिंदू मुसलमान पे उनको ना घेरें तो एक तो हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से ये जो मुद्दे बीच बीच में उठाए जा रहे हैं जो फजूल के मुद्दे हैं उनको दरअसल भटकाव के लिए ही ये पूरा डिस्कोर्स को डाइवर्स करने के लिए उसका डाइवर्जन करने के लिए किया जा रहा है तो आ... कितना ज़रूरी है विपक्ष के लिए इस वक्त उनको रोज़गार शिक्षा और इन सब चीज़ों पर घेरना जिसपे हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने रोज़गार तो बहुत दिया लेकिन हमारे पास उसके लिए डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए तो वो ज़िम्मेदारी भी तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की है कि आप डेटा कलेक्ट करके दीजिए सबके सामने कि आपने क्या किया तो वो सारी चीज़ें तो की नहीं जा रही हैं तो विपक्ष के लिए कितना ज़रूरी हो गया है इस वक्त कि आप दरअसल खुद ना भटकें और ना सिर्फ विपक्ष दरअसल जनता भी उसी फेर में आ जाती है कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो हम लोग उन्हीं चीज़ों पर बात करने लगते हैं बजाय कि हम जो असल मुद्दे हैं उन पर बात करें तो कितना ज़रूरी हो गया है ये सब देखिए जनता से ज़्यादा जरूरी है कि जो विपक्षी दल हैं जो प्रमुख विपक्षी दल हैं इस बात को लेकर समझें और सतर्क रहें जनता अपने तई समझदारी के साथ काम कर रही है लोगों को बाजार दिख रहा है लोगों को कारोबार दिख रहा है लोगों को बेरोजगारी दिख रही है लोगों को तबाही दिख रही है लोगों को मॉब लिंचिंग भी दिख रही है लोगों को शिक्षा जो महंगी हो रही है विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन वो भी दिख रहा है बेतहाशा जो फीस बढ़ाई गई है वो दिख रहा है आरक्षण जिस तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों में ख़त्म किया जा रहा है वो दिख रहा है जो चीज़ें इस वक्त जरूरी हैं मैं समझता हूं अपोजिशन की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं मसलन हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के जो नुमाइंदे हैं टेलीविज़न चैनलों पर जिस तरह से रोज़ वो एक ख़ास ढंग से सब कुछ कराते हैं और करते हैं दरअसल भारत में जैसा मैंने पहले भी कहा कि टेलीविज़न चैनलों को एक तरह से इस्तेमाल कर रहे है गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल करती है उसको और आज वो एक ख़ास ढंग का डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए टेलीविज़न के जरिए मुझे लगता है उसको काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो रियल इशूज जनता के हैं उन पर जनता के बीच जाइए आप अगर बीजेपी द्वारा या टेलीविज़न चैनलों के द्वारा क्रिएटेड जो इश्यूज हैं जो आर्टिफिशियल इश्यूज हैं अगर उनको लेकर आप बहस मुबाइसे में जाओगे केवल उसी पर अपने को केंद्रित करोगे हिंदू मुसलमान तो हिंदू पाकिस्तान तो ये तो वो आई मीन दिस इज़ नॉट द इशू इशू जो असल है ठीक है ये सब इशू बौद्धिक विमर्श के इशू हैं ज़रूरी इशूज़ हैं आप सेकुलरिज्म पर डेमोक्रेसी पर लंबी चौड़ी आप बात कर सकते हैं सेमिनारों में कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं पेपर्स पेश कर सकते हैं लेकिन आज की तारीख में इस वक्त जब हम अगले चुनाव के मुहाने पर हैं बिल्कुल चुनाव करीब है वो कदम ताल कर रहे हैं और आप अगर केवल आ, 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 सेमिनार हॉलों की गोष्ठियों के विमर्श को केवल अगर आप जन रैलियों में ले जाएंगे जनसभाओं में ले जाएंगे आम लोगों के बीच में वह उन्हीं पर केवल बहस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अव्यवहारिक होगा असल बात है कि रोज़गार के इशू पर आप आइए असल बात है कि अस्पताल के इशू पर आप आइए असल बात है कि बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ाई गई है प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से चीज़ों का हो रहा है और जिस तरह कॉरपोरेट के साथ सरकार कदम ताल कर रही है अभी आप छोटा सा इशू आया आप बताइए एक एक इंस्टीट्यूट जो बना ही नहीं अभी भारत के सबसे बड़े कारपोरेट का उसको आपने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पहले ही शामिल कर लिया जे शामिल हो या ना हो लेकिन वो संस्थान आईआईटी और आई जो इंडियन सोशल साइंसेज के सेंटर्स हैं उनकी बराबरी में आपने उसको रख दिया ये इशूज हैं कि ये सरकार पूरी तरह कॉर्पोरेट पर ऐसा लगता है कि सरकार के दो ही घटक हैं एक आर और दूसरा कारपोरेट इन इशूज़ पर चीज़ों को लाया जाना चाहिए न कि हम हिंदू मुसलमान पर केवल आए मंदिर मस्जिद पर आए वो तो चाहते हैं कि आप उस पर आइए क्योंकि वो उनका क्षेत्र है उनका क्षेत्र इस देश की तरक्की नहीं है इस देश के लोगों की भलाई नहीं है वो तो चाहते हैं कि आप उनके मुहावरों पर आइए उनके दायरे में आइए वो डिस्कोर्स को जिस तरह ट्रेविलाइज करना चाहते हैं सतही बनाना चाहते हैं आप वहाँ पे आइए तो अपोजिशन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो कंसिस्टेंट एक कैंपेनिंग जो होनी चाहिए आ, रियल इश्यूज़ पर उसकी कमी नज़र आ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में अच्छी बात यह है कि जनता स्वयं खड़ी हो रही है हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद